हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फायर बोल्ट की कोई भी वॉच में सॉन्ग्स कैसे प्ले कर सकते हो। तो गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग है कि आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो वॉच में, और वॉच की स्पीकर से आवाज़ आती है सॉन्ग्स की। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा कि आपको सॉन्ग्स कैसे प्ले करने हैं वॉच में। तो आपको वॉच में सॉन्ग्स प्ले करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जाना है। तो गाइज, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा कि आपको वॉच में सॉन्ग्स कैसे प्ले करना है। तो आपको सबसे पहले वॉच के ऑफिशियल ऐप में जाना है। वैसे तो हर एक वॉच में बिना ऐप से कनेक्ट करे सॉन्ग्स प्ले हो जाते हैं, पर इस वॉच में नहीं हो रहे, फायर बोल्ट की वॉच में। तो हम पहले इसको ऐप से कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके ऐप का नाम है DAFIT। तो DAFIT ऐप में आपको जाना है, आपको होम पेज मिलेगा और वॉच से कनेक्ट करने के लिए पेज मिलेगा। तो यहाँ आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। तो ऐड डिवाइस पे क्लिक करने से पहले आपको, अगर वॉच से कनेक्ट करना है तो आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना ज़रूरी है। अगर आप ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन नहीं करते हो तो वॉच कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है। तो ऑन करने के बाद अब आपको वॉच को ऐड करना है। तो ऐड डिवाइस पे क्लिक करूँगा मैं। तो आप देख सकते हो कि वॉच का मॉडल नंबर लिख के आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये देखिए, ये कनेक्टिंग हो रहा है। तो ये जो साउंड है, इसकी वजह से समझ में आ जाता है कि वॉच कनेक्ट हो चुकी है। ये फाइंड वॉच की साउंड है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ अब वॉच कनेक्ट हो चुकी है, वॉच का लोगो आ चुका है। तो अब सॉन्ग्स प्ले करने के लिए क्या करना है, क्योंकि अब मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप यहाँ भी जाओगे तो सॉन्ग्स आप प्ले नहीं कर पाओगे, वॉच सिर्फ वाइब्रेट होगी पर सॉन्ग्स प्ले नहीं हो पाएंगे। तो क्यों नहीं होगी सॉन्ग्स प्ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आपको वापस होम पेज पे आ जाना है। तो होम पेज पे आने के बाद आपको ब्लूटूथ में जाना है। तो यहाँ ब्लूटूथ खुल चुका है। तो आपको ब्लूटूथ में है एक मॉडल नंबर दिख रहा होगा, तो आपको उससे कनेक्ट करना है। तो हर एक वॉच का ना मॉडल अलग होता है गाइस, तो आपको ना उस पर क्लिक करना है ताकि वो कनेक्ट हो सके। अभी यहाँ अवेलेबल डिवाइस पे आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो अभी जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा कॉल्स एंड ऑडियोस के लिए। तो अब वॉच कनेक्ट हो चुकी है कॉल्स एंड ऑडियोस के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ स्टेप्स है और यहाँ हार्ट रेट, और यहाँ आपको फ़ोन मिल जाता है। तो आप देखोगे तो फ़ोन में आप डायल भी कर सकते हो अब नंबर, क्योंकि फ़ोन अब ओपन हो चुका है, क्योंकि हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है। अब यहाँ जो सॉन्ग्स है वो आप प्ले कर सकते हो। तो अब सॉन्ग्स का ऑप्शन खुल चुका है वॉच में। तो अब मैं अपने फ़ोन में सॉन्ग्स प्ले करूँगा। तो सॉन्ग्स प्ले करने के लिए मैं वो ऐप में चले जाता हूँ जिससे हम सॉन्ग्स प्ले करते हैं। वैसे तो ये सैमसंग का फ़ोन है, तो इसमें मैंने सैमसंग म्यूज़िक डाउनलोड किया था। तो सैमसंग म्यूज़िक में मैं जा चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ से एक सॉन्ग लगाऊंगा। तो अब वॉच में से आवाज़ आ रही है। तो यहाँ आप देखोगे तो डिवाइस में भी यहाँ लिख के आ रहा है कि वॉच से कनेक्टेड है, फ़ोन से कनेक्टेड नहीं है। तो ये वॉच की स्पीकर से आवाज़ आ रही है। एक्चुअली वॉच में स्पीकर होते हैं गाइस। तो यहाँ आवाज़ आ रही है वॉच में से। तो मैं माइक्रोफोन के पास लेके जाके आपको सुना रहा हूँ। तो आप अपनी ही वॉच से पूरा सॉन्ग ऑपरेट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब ये देखिए, अब आप सॉन्ग को यहाँ से पॉज कर सकते हो। ऐसे सॉन्ग पॉज हो चुका है, फिर आप वापस प्ले पे क्लिक करोगे तो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। अब मैं सॉन्ग को चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने आगे किया, सॉन्ग चेंज हो गया। अब मैं पीछे करूँगा, सॉन्ग वापस चेंज हो गया है। तो आप यहाँ से वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकते हो वॉच में, कि आपको कितनी वॉल्यूम रखनी है। तो वॉच की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लाउड है और ये आवाज़ वॉच में से ही आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने साउंड को फ़ोन में कन्वर्ट किया तो क्या होगा। तो ये साउंड अब मैं फ़ोन में कन्वर्ट करूँगा। अब ये फ़ोन में से आवाज़ आ रही है, ये देखिए। अब फ़ोन में से मैं फिर से वॉच पे लूँगा,
ये देखिए, तो साउंड वापस वॉच में जा चुकी है। तो आप ऐसी ही अपनी वॉच में सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो। तो गाइज, जो जो मैंने स्टेप्स बताया उसको फॉलो करना, कोई भी वॉच हो आप सॉन्ग्स प्ले कर पाओगे। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।